नमस्ते मित्रों, हिंदी की खूबसूरत उत्कृष्ट और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। तो शुरू करते हैं कहानी। हर साल की तरह घर में चैत्र गौरी का हल्दी कुमकुम समारोह चल रहा था। मेरी सभी सखी सहेलियां, अड़ोसने पड़ोसने, नाते रिश्ते की महिलाएं आमंत्रित थीं। ये कार्यक्रम मैं बड़ी धूमधाम से करती हूँ। साल भर में एक अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है। जिस तरह हर फंक्शन का एक पीक टाइम होता है, हल्दी कुमकुम का भी होता है। उस समय हॉल जैसे ओवरफ्लो हो रहा था। उस समय मुझे डर लगने लगता है, सबको सब कुछ ठीक से मिल तो रहा है ना, कोई छूट तो नहीं गया, मैंने सबसे ठीक से बात की है ना, कोई उपेक्षित तो नहीं रह गई। भीड़ जब थोड़ी उतार पर थी तो मिसेज मिश्रा ने प्रवेश किया। ये मेरी सुबह की सैर की साथिन है, बस उतना ही परिचय है। वहीं दुआ सलाम होती है, पर साल में एक बार होने वाले इस आनंदोत्सव में मैं उन्हें भी आमंत्रित कर लेती हूँ और वो प्रेम से आती भी हैं। वे बैठी रही थीं कि मिसेस दुबे उठ खड़ी हुई। भाभी जी, जरा वॉशरूम जाऊंगी। कार्यक्रम के दिन मैं अपने दोनों तीनों बाथरूम चमका कर रखती हूँ। अक्सर दूर से आने वाली महिलाओं को ज़रूरत पड़ जाती है, पर मिसेस दुबे तो सोसाइटी की ही हैं। वे सफाई भी दे रही थीं कि मैं जरा बाज़ार चली गई थी, वहीं से सीधे आ रही हूँ। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, उनका मेकअप एकदम ताज़ा लग रहा था। उन्हें बाथरूम दिखाकर मैं लौट रही थी कि उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे भीतर खींच लिया। फुसफुसा कर बोली, पता है डॉक्टर मिश्रा आईसीयू में भर्ती हैं। अब मुझे उनकी वॉशरूम की ज़रूरत समझ में आई। उनकी अपेक्षा के विपरीत मैंने एकदम ठंडी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, और मैं हॉल में लौट आई। वॉशरूम से लौटकर मिसेज दुबे ने अपना अभियान जारी रखा। मिसेज मिश्रा से बोली, डॉक्टर साहब की तबीयत अब कैसी है? पहले से ठीक हैं। अभी आईसीयू में हैं? नहीं, परसों रूम में शिफ्ट हो गए हैं। बच्चे आ गए हैं? हाँ, कब से? कनाडा वाला भी? हाँ, वो भी दो दिन बाद ही आ गया था। बिटिया? बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए चेन्नई वाली बहू भी नहीं आ पाई है। कनाडा वाली ने अपनी माँ को बुलाया है, बच्चों को उनके पास छोड़कर वो आ जाएगी। मिसेज मिश्रा ने एक साथ इतने प्रश्नों के उत्तर दे दिए कि अब पूछने के लिए कुछ बाकी न रहा। मिसेज दुबे और कोई बेढंगा सवाल करती, इससे पहले ही मैंने दोनों को प्लेटें पकड़ा दीं। मिसेज मिश्रा ने प्लेट को छूकर हाथ जोड़ लिए, बोली, मेरे व्रत चल रहे हैं, आप तो मुझे हल्दी कुमकुम दे दीजिए। फिर भी मैंने इकरार नहीं किया। उनकी मना स्थिति का मुझे अंदाज़ा हो गया था। उन्हें छोड़ने में बाहर तक गई। उनका अपराध बोध कम करने के लिए मैंने कहा, आप आई अच्छा लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर साहब बीमार हैं, तभी आजकल आप मॉर्निंग वॉक पर दिखाई नहीं दी। हाँ, कहीं जाने का मन ही नहीं होता, आज भी बहुत असमंजस था, फिर सोचा हल्दी कुमकुम का निमंत्रण है, नकारना नहीं चाहिए। जी, बहुत अच्छा सोचा आपने, अब देखिए सब शुभ होगा। आईसीयू से कमरे में आ गए हैं, अब देखिए दो चार दिन में घर भी आ जाएंगे, इत्मीनान रखिए। थैंक यू वेरी मच, उन्होंने भीगे स्वर में कहा और चली गई। मैंने अंतर्मन से चाहा था और कहा भी था कि डॉक्टर साहब दो चार दिन में घर आ जाएंगे, पर मेरी सद्भावनाएं फली नहीं हैं। वे घर आए तो, लेकिन महाप्रयाण के लिए। मुझे मिसेस दुबे ने ही यह सूचना दी थी, पर उस दिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मिसेस दुबे का स्थाई ऑफर था कि जब भी जाएंगी मैं साथ चली चलूँगी, पर मैंने अकेले जाना ही पसंद किया। 5-6 दिन बाद मैंने साहस बटोरा और चल पड़ी। एक क्षीण सी आशा थी कि मिसेज मिश्रा थोड़ी सेटल हो गई होंगी। वो खूबसूरत बंगला इस समय बड़ा उदास लग रहा था, शायद मेरे मन की उदासी ही वहाँ प्रतिबिंबित हो रही थी। वैसे माँ कहा करती थी कि मृत्यु वाले घर के आसपास एक अशुभ छाया मंडराया करती है, इसीलिए वहाँ जाते मन घबराता है। शायद इसी को आजकल निगेटिव वाइब्स कहा जाता है। मैंने धीरे से गेट खोला।
उतनी सी आवाज़ भी उस सन्नाटे में भारी लगी। लॉन पार करके मैं बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ गई और थोड़ी देर खड़ी रही, अपने को थोड़ा प्रकितस्थ किया और फिर कांपते हाथों से कॉलबेल बजाई। घंटी की कर्कश आवाज़ मुझे बिना वजह एक अपराध बोध दे गई। मेरे अपराध बोध की उस समय सीमा नहीं रही जब मिसेज मिश्रा को दरवाज़ा खोलते देखा। क्षमा याचना के स्वर में मैंने कहा, मैं शायद गलत समय पर आ गई हूँ, आपको कष्ट करना पड़ा। वे मुझे हाथ पकड़कर भीतर लिवा ले गईं। बोली, गोमती अभी 3 बजे काम से निपटी थी तो मैंने कहा शाम को देर से आना, चलेगा, इतने लोगों का काम करते करते वो भी थक जाती है। हम लोग सोफे पर बैठे ही थे कि एक करुण क्रंदन सुनाई दिया। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, दीवार से लगे दीवान पर बैठी एक वृद्धा सिसक रही थी। मेरी ननद हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी बहन, उन्होंने बताया। बहन जी थोड़ी देर सुबकती रहीं फिर लेट गईं। मैंने आसपास देखा, हर कहीं एक निचाट सूनापन पसरा हुआ था। पूरा घर जैसे भाएँ भाएँ कर रहा था। घर बाहर एक सा सन्नाटा था। मुझे अब उसका कारण समझ में आया, घर में लोग ही नहीं थे। हिंदुस्तान में घर मौत का हो या शादी वाला, भरा भरा लगता है। वातावरण में जमीन आसमान का फ़र्क रहता है, पर भीड़ लगी रहती है। लोग रहते हैं तो बातें भी होती हैं, खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है, मिलने जुलने वालों की आमद रफ्त बनी रहती है। इसीलिए शायद दुख सहना आसान हो जाता है, नहीं तो अकेला आदमी पागल हो जाए। यहाँ तो दरवाज़ा खोलने तक को कोई नहीं है, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेहमान सब चले गए शायद, वैसे भी आजकल 13 दिन तक कौन रुकता है, बाद में फिर आ जाते हैं, मैंने कहा। मेहमान ऐसे थे ही कौन, सब घर के ही तो थे। बड़ी बहू चेन्नई से आई थी, तीसरा करके लौट गई, बच्चों की परीक्षा चल रही हैं, अब 13 पे बच्चों को लेकर आएगी। छोटी वाली अब 13 पर ही आएगी, फिर दोनों कनाडा लौट जाएंगे। वो 20 दिन से यहीं पड़ा है, लौटने तक महीना तो हो ही जाएगा। बिटिया आई थी, मुझे लगा मैं मिसेस दुबे होती जा रही हूँ, पर क्या करूँ, कुछ तो बोलना था। बिटिया आई थी, आज ही लौट रही है, दोनों भाई उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं। उसे रोक लेती आपको सहारा हो जाता। उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, इतने दिन रह ली यही बहुत है, मन वहीं अटका हुआ था, अब 13 पर शायद दामाद अकेले ही आएंगे। और आप सहारे की बात कर रही हैं, तो अब आदत डालनी होगी, खुद को ही सहारा ढूंढना पड़ेगा। बच्चे कितने दिन रुकेंगे, उनकी अपनी गृहस्थी है, अपना काम है, अपने पिता के लिए बेचारे सब कुछ छोड़कर दौड़े चले आए थे, आखिरी सांस तक उनके साथ रहे। लोग इसी दिन के लिए बेटों की आस करते हैं, मैंने दर्शन झाड़ा। पूछने वाली थी कि आपके पीहर से कोई नहीं आया, पर उन्होंने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली, बोली, मेरे भाई भाभी आए थे, 2 दिन रहकर चले गए, क्लिनिक कितने दिन बंद रखते। आपके भाई भाभी डॉक्टर हैं? हाँ, पिताजी भी डॉक्टर थे, हम लोगों का बड़ा सा नर्सिंग होम है, उस एरिया में बहुत मशहूर है। आपके भी 3 बच्चे डॉक्टर हैं ना? हाँ, और छोटी बहू भी। वाह, यानी कि पूरी डॉक्टर्स फैमिली है, गुड। कुछ देर को एक छोटा सा मौन पसर गया। मैंने उसे उबरने के लिए जल्दी से अगला प्रश्न पूछ लिया, डॉक्टर साहब के परिवार में बस ये बहन जी ही हैं? परिवार तो बहुत बड़ा है, पर मैंने बस इन्हें ही देखा है, शादी के बाद मैं इनके ही घर गई थी। आपके सास ससुर नहीं थे? ये स्कूल में थे तभी इनके पिताजी गुजर गए, अम्मा जी थीं, देवर देवरानियों के राज में किसी तरह दिन काट रही थीं। जिज्जी की शादी पिताजी कर गए थे, पर इनकी पूरी पढ़ाई बाकी थी, हाई स्कूल में इन्होंने पूरे ज़िले में टॉप किया था, थोड़ी स्कॉलरशिप भी मिली थी, पर चाचा लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि शहर में पढ़ाना हमारे बस का काम नहीं है। अम्मा जी बेटे का भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहती थीं, उन्होंने देवर लोगों को मनाया, पता नहीं किन किन शर्तों पर वे राजी हुए। ये मेडिकल के 2nd ईयर में थे जब अम्मा जी नहीं रहीं, तब पता चला कि अम्मा जी ने अपने हिस्से की ज़मीन दोनों के नाम लिख दी थी। उनके जाते ही चाचा लोगों ने इन्हें बेदखल कर दिया, एकदम सड़क पर ही आ गए थे। मुझे लगता है आपकी सासू माँ की मृत्यु नेचुरल नहीं रही होगी, लोग ज़मीन जायदाद के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। मैंने कनखियों से बहन जी की ओर देखा, वे शांत लेटी थीं।
उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। वे धीरे से मुस्कुरा दीं। मुझे भी हमेशा से लगता रहा है कि अम्मा जी की मृत्यु में कोई रहस्य था, पर उस समय ये छोटे थे और अकेले पड़ गए थे, क्या करते। फिर पढ़ाई कैसे पूरी की? मेरे भाई साहब के साथ पढ़ते थे, उन्होंने बाबूजी को बताया। बाबूजी बोले, ब्राह्मण का लड़का है, होनहार है, उसका करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए। फिर बाबूजी ने इनका पूरा खर्च उठाया, हॉस्टल की फ़ीस भी दी, ट्यूशन फ़ीस भी दी, MBBS के बाद PG करने भी भेजा। पूरे 2.5-3 साल ये बाहर थे। आपके पिताजी सचमुच पुण्यात्मा थे, नहीं तो आजकल कौन किसके लिए इतना करता है। इस पुण्य का फल भी उन्हें हाथों हाथ मिल गया, ईश्वर ने हीरे जैसा दामाद जुटा दिया। इसमें ईश्वर की कोई करामात नहीं है, ये सब योजनाबद्ध कार्यक्रम था। मतलब? वे चुप हो गईं। मैंने थोड़े संकोच के साथ कहा, ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर आपकी लव मैरिज रही होगी ना, क्योंकि आपने बताया था कि आपके भाई साहब और डॉक्टर साहब साथ पढ़ते थे। हमारी ना तो लव मैरिज थी ना अरेंज मैरिज थी, वो तो प्लानिंग वाली मैरिज थी। बाबूजी ने भाप लिया था कि लड़का होनहार है, अकेला है, परिवार से कटा हुआ है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसे पढ़ा देंगे तो एक साथ 3 काम सद जाएंगे। एक तो लड़के की ज़िंदगी बन जाएगी, दूसरे बिटिया को डॉक्टर दूल्हा मिल जाएगा, तीसरे साले बहनोई मिलकर नर्सिंग होम को चमका देंगे। बाबूजी की 2 इच्छाएं पूरी हो गईं, पर तीसरा सपना अधूरा रह गया। क्यों? 1-1.5 साल नर्सिंग होम में काम करने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि वो आदर मान नहीं मिल रहा है जो घर के दामाद को मिलना चाहिए। मैंने भी महसूस किया कि इन्हें औरों से कमतर आंका जा रहा है। हम दोनों के स्वाभिमान पर ठेस लगी, तो एक दिन हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चले आए। यहाँ क्यों? एक ऑफर था, एक परिचित डॉक्टर के क्लिनिक में असिस्टेंट के बतौर काम करना था। नई जगह थी, हाथ पे डिग्री के सिवाय कुछ भी नहीं था। 2-3 साल बड़े कसाले में कटे, इन्हें तो अभावों की आदत थी, पर मेरे लिए ये सब झेलना बहुत कठिन था। 2-3 साल बाद गाड़ी पटरी पर आई, इनकी प्रैक्टिस चल निकली, फिर इन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया। दिन रात मेहनत की, पैसा बरसने लगा। जो वैभव मैं पिता के घर छोड़कर आई थी, अब वो मुझे फिर से प्राप्त हो गया। इन्हें तो जैसे जुनून चढ़ गया था, वे बच्चों को हर वो चीज़ देना चाहते थे जिसके लिए बचपन में वो तरसे थे। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी शिक्षा। तीनों की शादियाँ भी उन्होंने बहुत धूमधाम से कीं, जैसे अपने जीवन से दरिद्रता की हर रेखा मिटा देना चाहते हों। सेल्फ मेड मैन ऐसे लोगों को ही तो कहते हैं। सफलता ऐसे लोगों के ही चरण चूमती है, और कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है, तो वो आप हैं, आप उनके यश में बराबर के हिस्सेदार हैं। उनकी आंखें अचानक भीग गईं। मैंने उनके कंधे थपथपाते हुए कहा, अरे ऐसे रोते नहीं हैं, रामचरितमानस में लिखा है कि यशस्वी पुरुष की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके गए हैं, आपके लिए पुख्ता इंतज़ाम करके गए हैं, बच्चे आपके सुशील हैं, संस्कारवान हैं, फिर भी मुझे विश्वास है कि आपको उनके आगे कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भाभी जी, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? उनकी आवाज़ अत्यंत कातर थी। शायद बहुओं से नहीं बनती होगी, पर यह तो आजकल आम बात हो गई है, और इनकी बहुएँ कौन सी इनके पास रहने वाली हैं। मृत्यु से एक दिन पहले इन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया था। अच्छा, डिलीरियम हो गया था। डिलीरियम समझती हैं ना? डिलीरियम मतलब सन्निपात ना, जिसमें आदमी ऊटपटांग बोलने लगता है। हाँ वही। ये भी उस समय बाही तबाही बकने लगे थे। मुझे तो इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दीं कि बच्चों के सामने मैं शर्म से गड़ गई। बच्चे भी अस्पताल वालों के सामने शर्मसार हो गए। फिर छोटा मुझे घर ले आया, बोला पापा आपको देखकर एक्साइट हो रहे हैं, आप कुछ देर उनसे दूर ही रहो। उसके बाद वे 24 घंटे जीवित थे, पर मैं उनके पास नहीं गई, मन ही नहीं हुआ। उनकी वो नफ़रत उगलती आँखें और गंदी गालियाँ जहन में जैसे कैद हो गई हैं, उन्हें मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। देखिए मिसेज मिश्रा, बीमारी में आदमी का अपने पर वश नहीं रहता, ना शरीर पर, ना मन पर, ना वाणी पर। उनकी बातों को इस तरह दिल पर नहीं लेना चाहिए। अपने पर वश नहीं रहा, इसीलिए तो मन की तलहटी में दबी नफ़रत उस दिन सतह पर आ गई थी। नफ़रत किस लिए?
ये शादी उन पर थोपी गई थी ना, इसलिए। मजाक मजाक में वह कई बार कह चुके थे, पर मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया था। कभी कहते डॉक्टर साहब का मुझ पर कोई कर्ज बाकी नहीं है, मैंने उनका इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। कभी बच्चों से कहते बेटा शादी अपनी मर्जी की करना, मेरे पास तो और कोई ऑप्शंस ही नहीं थे, पर तुम्हें पूरी छूट है। जिसे हम मजाक समझते रहे वो बात उनके मन में गहरी बैठी हुई थी। वे थोड़ी देर को चुप हो गईं, फिर बोली इस नवंबर में हमारी शादी को 40 साल पूरे हो जाएंगे। इन 40 सालों में मैंने उनकी प्राण से सेवा की है, अच्छे बुरे वक्त में चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही हूँ। प्रैक्टिस में ये इतने व्यस्त रहे कि कभी घर परिवार को देखने का वक्त ही नहीं मिला। मैंने ही उनके बच्चों को पाला, आदमी बनाया, पर देखिए ना अंतिम क्षणों में उन्हें यह कुछ भी नहीं याद आया, केवल ज़बरदस्ती वाली शादी ही याद रही। 40 साल का इतिहास एक पल में शून्य हो गया, जैसे किसी ने स्लेट पर लिखी इबारत मिटा दी हो। मेरी सारी तपस्या पर पानी फिर गया और फिर वे एकदम फपक कर रो पड़ी। उनकी रुलाई का आवेग इतना प्रचंड था कि मैं समझ गई आज पहली बार उन्होंने अपनी ये व्यथा किसी के साथ साझा की है, और साझा करती भी किससे, बेटी से या बहू से। जीवन के इस सफ़र पर एक पड़ाव ऐसा अवश्य आता है जब जोड़ी टूट जाती है, एक कोई आगे निकल जाता है, पर जो पीछे छूट जाता है वो विगत की स्मृतियों के सहारे किसी तरह जी लेता है। मिसेज मिश्रा को सांत्वना देते हुए मैं सोच रही थी कि इस रीतेपन के इतिहास को लेकर ये औरत कैसे जिएगी और कितने दिन जिएगी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार मालती जोशी जी की लिखी हुई एक वास्तविक सी कहानी, कौन ठगवा लूटल हो नगरिया। आपके अंतर मन को भी इस कहानी ने जरूर झंकृत किया होगा। फिर मिलेंगे, आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।